विजय जी, स्पीकर के पद से ज्यादा यह महत्वपूर्ण डेप्यूटी स्पीकर का पद हो जाता है क्या? यह परंपरा है इस देश के संसदीय इतिहास में कि विपक्ष को दिया जाता है डेप्यूटी स्पीकर का पद, जो पिछली बार नहीं दिया गया, लेकिन इस बार विपक्ष बड़ी ताकत के साथ पदार्पित कर रहा है संसद में, डेप्यूटी स्पीकर का पद दिया जाएगा? जी गरिमा जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि स्पीकर का सवाल मुझे बहुत मुश्किल या उलझाव वाला नहीं लग रहा। एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसे विनोद जी ने सब बात का जिक्र कर ही दिया कि 240 सीटें हैं, और आमतौर पे जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके पास स्पीकर का पद होता है। जो वाजपेयी सरकार में जीएमसी वाली योगी हुए वो उस समय सरकार में नहीं थे, टीडीपी ताकतवर थी, 182 सीटें थी, फिर वाली योगी जी के बाद मनोहर जोशी को बनाया गया। लेकिन आज स्थितियां वैसी नहीं है, 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो किसी भी पार्टी और किसी भी गठबंधन से ज्यादा है। टीडीपी जो है आंध्र प्रदेश में सरकार बना रखे, तो उसकी अपनी जरूरतें भी है केंद्र सरकार के साथ, और यहाँ नंबर ऑफ एमपीज बहुत नहीं है। जेडीयू को अगर देखें, जो दो बड़े सहयोगी दल है, तो जेडीयू का डिप्टी चेयरपर्सन वहां पर राज्यसभा में पहले ही है, तो जेडीयू तो मांग ही नहीं सकता, समझ गए? जेडीयू का तो डिप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा में है, हरिवंश जी। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुमा केसरी। तो जेडीयू के लिए तो कोई हक ही नहीं बन रहा, केवल टीडीपी की बात है। और टीडीपी के लिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे, जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया कि शर्तों का पता नहीं होता, लेकिन किसी ने औपचारिक तौर पे तो नहीं कहा टीडीपी ने कि वो अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, मांग कर रहे हैं, और बहुत लॉजिकल भी नहीं लग रही मुझे, तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन महत्वपूर्ण है डिप्टी स्पीकर का पद। पिछले 5 साल में तो कोई डिप्टी स्पीकर रखा ही नहीं, कोई इस सरकार में नहीं था, नहीं था। हाँ। उससे पहले थे थंबी दुरई साहब, थे पहली वाले रिजीम में 2014 में नहीं था, 16वीं लोकसभा में था, सोलहवीं लोकसभा में था। और उससे पहले का यदि इतिहास देखें तो आम तौर पे विपक्षी पार्टी को जो है डिप्टी स्पीकर का पद मिला है। कांग्रेस की सरकार रही तो सूरजभान भी वहां पर रहे, करिया मुंडा भी वहां पर रहे, वाजपेयी जी की सरकार थी तो क्या नाम था लक्षद्वीप वाले जो सईद साहब, सईद साहब भी वहां पर रहे हैं, चरणजीत सिंह अटवाल भी रहे कांग्रेस की सरकार में एसएडी की तरफ से, शिरोमणि अकाली की तरफ से। तो आम तौर पर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद मिलता है। अब यहां पर एक पेच है, यहां एक पेच है कि क्या सरकार पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी वो पद विपक्ष को देना चाहेगी या अपने एनडीए सहयोगी दलों को देना चाहेगी। अच्छा, यहाँ पे भी ये पेच फंसता है, ये पेच फंसता है। लेकिन विपक्ष इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर है, 230 सीटों पर, 232 सीटों पर है। तो इसमें मुझे कोई संविधान की कोई बैरियर है? परंपरा है, संसदीय परंपरा रही है मोटे तौर पर, लेकिन उसके बाद तो नहीं हुआ। विधानसभा में भी ये परंपरा रही है, लेकिन परंपराएं और कानून में बहुत फर्क होता है। जैसे विपक्ष का नेता का पद को देख ले, इस परंपरा का आपने जिक्र किया, जो विपक्ष का नेता होता है उसके लिए परंपरा ये रही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी के लोग जो है विपक्षी नेता रहे। लेकिन पिछले 10 साल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उन्हें औपचारिक तौर पे विपक्ष के नेता का पद नहीं मिला। नहीं, उसमें एक क्लॉज ये भी है ना कि टोटल स्ट्रेंथ का 10% जी इसी का मैं जिक्र, नहीं, वो नियम है, और वो 1977 का स्पीकर का रूल है। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, 1977 का स्पीकर का रूल है, जो स्पीकर बनाने की परंपरा है, उसमें कहीं पर ये शर्त नहीं है। ठीक है, लेकिन जीसी जो मावलंकर साहब थे, पहले स्पीकर थे, उन्होंने इस परंपरा को कायम किया कि भाई 10% लोग होने चाहिए, तब एक विपक्ष होगा। और उसका नतीजा क्या हुआ, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, नवीं और सत्रहवीं और सोलहवीं और सत्रहवीं, इन लोकसभाओं में कोई विपक्ष का नेता वहां पर नहीं बना औपचारिक तौर पर कांग्रेस की। और आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि केवल लोकसभा के काम के लिए नहीं, सीईसी के लिए, सीआईसी के लिए, सभी जगहों पर उसकी जरूरत होना जरूरी है। क्या मैं ये पूछ रही हूं आपसे, ये डिप्टी स्पीकर के पद के जो चलते मद्देनजर जी एक सवाल ये आ रहा है कि क्या वाकई संसदीय परंपरा का निर्वहन होता दिखेगा या फिर एनडीए के सहयोगियों को चला जाएगा, ज्यादा संभावना किस बात की, क्योंकि विपक्ष इस बार ताकत के साथ पहुंच रहा है, धमक के साथ पहुंच रहा है। उसी का मैंने जिक्र किया ना कि 230 उनके उस पर वो ज्यादा मुश्किल काम है कि क्या विपक्ष
भाई ये हो सकता है ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को कहे कि आप इस चक्कर में पड़ रहे हो, डिप्टी स्पीकर उनको देना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि अपने सहयोगियों को दे दे। और ये परंपरा में है, कोई नियम तो बना हुआ नहीं है कि विपक्ष को मिलना चाहिए, हालांकि ये हो तो भी बैलेंस बना रहता है। और मैंने आपको इतने उदाहरण बता दिए, सूरज भान का, करिया मुंडा का, अटवाल का, सईद का, ये भी एक दिलचस्प स्थिति होगी जब मैं ये समझता हूँ डिप्टी स्पीकर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं असल में अपने संबोधन में कह गया था चंद्रबाबू नायडू के पास 30 सीटें हो, चूंकि आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, मेरे दिमाग में उसमें तेलंगाना आंध्र प्रदेश का संयुक्त 42 सीटें थी, वो एक था तस्वीर। तो मान लिया 25 सीट ये गलत नहीं हुआ ना फिर तो, क्योंकि उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सही थे, उसमें 30 ज्यादा सीटें थी, अभी कहा कि अगर अभी 30 सीटें होती तो अभी 30 तो नहीं 25 हो सकती थी उनके पास। तो तेलंगाना वो तो बात ही नहीं है, ठीक है।